साला पानी देने से मना करता है तू मेरे को? पागल साला, पानी मांगता है? नौकर तेरे बाप का? क्या सो जा चुपचाप, नहीं तो दूंगा कान के नीचे एक फटका। मैं पागल नहीं हूँ। लगता है तुम सबकी मौत आई है। बाहर निकालो मेरे को, वरना एक एक की गर्दन काट डालूंगा मैं। कोई निकालने को आ रहा है या मार डालू मैं? अरे ओ कमीनो, रात को जूस पीने से जुकाम लग जाएगा मुझे भी और बच्चे को भी। अभी शाम को ही तो पिलाया था, वो भी जबरदस्ती। आने वाला बच्चा खूबसूरत होना चाहिए राजकुमार जैसा। आपकी एक्साइटमेंट को देखकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया के आप पहले आदमी हैं जो बाप बनने वाले हैं। यहाँ बैठो मेरी नजरों के सामने। हद हो गई, ये भी कोई प्यार का तरीका है? घर आते हैं तो हर वक्त अपनी नजरों के सामने बिठा कर रखते हैं। घर के बाहर रहता हूँ ना तो भी नजरों के सामने रहती हो। अच्छा लो, आर्यन का होगा, निखट्टू किसी क्लब में बैठा होगा। हेलो हेलो, डॉक्टर साहब हैं? आपके लिए। हाँ बोलो जनाब, कहाँ बैठे हो? साहब मैं मोरे बोल रहा हूँ। कौन? मोरे, वो पागल छूट गया सर। कैसे छूटा? साहब पानी देने गया था। देखो बांध के रखो इसे। जी साहब। बांध के रखो, मैं अभी पहुंच जाता हूँ। जी। अब कहाँ जा रहे हैं? जेल जाना होगा। क्या हुआ? एक कैदी को दौरा पड़ा है, बड़ा खतरनाक है। प्लीज मुझे भी जेल में ही रख लीजिए, कम से कम साथ तो रहेंगे। हर वक्त जेल जेल जेल। देखो डॉक्टर हूं, ना नहीं कर सकता, प्लीज। हाँ जैसे दुनिया में और कोई साइकेट्रिस्ट पैदा ही नहीं हुआ है। देखो सारी दुनिया पागल है, मेरे सोए हुए जानवर को मत जगाओ। Thank you.
यार, जल्दी कर यार, जल्दी पहुंचना है। श्री अकाल सरदार जी, गाड़ी का टायर पंचर हुआ है, जरा किसी बंदे को भेज दो। खाना खा तो पंजाब आ जाता है। जनाब माता शेरवाले जी, पापा जी, अरे मारा चाय दे रहे भाई। ये क्या हालत बना रखी है? कहाँ थे आप? कितनी परेशान हूँ मैं, मालूम है आपको? टायर पंचर हुआ था। I'm sorry. कितनी बदबू आ रही है? Just drinking. जाके नहाओ। काय की बदबू आ रही है? हटो, जाओ नहाओ। कितनी मीठी आवाज है, डांटती हो तो भी लगता है कि प्यार कर रही हो। ठीक है, तारीफ बाद में करना, प्लीज जाकर नहाओ। दवाई ली? कौन सी दवाई? वो पिंक वाली टैबलेट? नहीं। सॉरी सॉरी। मोबाइल। पानी में चले राम तेरी गंगा मैली। हेलो, मैं शेफाली। हाँ, डॉक्टर साहब है? वो नहा रहे। बोल देना मैं घर पहुँच गई। ठीक है, मैं बोल दूंगी। सुनो, किसी शेफाली का फोन था। अच्छा, कह रही है वो घर पहुँच गई है। अच्छा, ये शेफाली कौन है? अरे वो आर्यन की गर्लफ्रेंड है। पापियों के पाप धोते धोते राम। दौलिया आइए जी, खाना खा लीजिए। खाने पे तो ध्यान रहता नहीं है, कभी हॉस्पिटल, कभी जेल, कभी। बदबू आ रही है क्या? देख। नहीं। क्या? पेट में दर्द। हाँ? पेट में दर्द हो रहा है। ए, मजाक तो नहीं? सच्ची। सच्ची? चल। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ। कौन सी गोली ली? पिंक वाली। कोई गलत दवा तो नहीं ली? पढ़ा नहीं तूने? अनपढ़ हो? हाँ, राम सिंह जी साहब। मेरा बैग ले। हाँ जी। हाँ ठीक ठीक ठीक। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये रहा। एक काम कर जी, एसवी रोड पर जा, वहाँ चौराहे पे लेफ्ट में एक दुकान है केमिस्ट की। ये कहाँ है? वहाँ से इंजेक्शन लेके आओ। समझा नहीं। एसवी रोड पे लेफ्ट में जाओगे। हाँ बाबा, लेफ्ट में जाओगे, 24 घंटे खुली रहती है केमिस्ट की दुकान। तब मालूम है। अरे तू भी, मैं अभी आ जाता हूँ 15-20 मिनट में। अभी आ जा। जाइए, कहाँ जा रहे हैं? ख्याल रखना इनका। जी। ये लीजिए विस्कोस पेन और सिरिंज। मैं चाहती हूँ पहले हमारी शादी हो, प्यार को एक रिश्ते का नाम मिले तो प्यार पर यकीन रहता है। रिश्ते दुनिया वाले बनाते हैं, मुझे सिर्फ प्यार पे यकीन है। तुम्हारी बातों से मुझे कभी कभी डर लगता है। तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? प्यार की मंजिल शादी कब से हुई देवयानी? शादी करके लोग जिंदगी भर जिंदगी के पीछे भागते हैं, फिर भी जिंदगी उनके हाथ नहीं आती। जिंदगी का असली मजा तो वो उठाते हैं जो जिंदगी बगैर किसी बंधन के जिए।
नमस्ते मैम साहब। कैसे हो? जी अच्छा हूँ। साहब हैं? हाँ ऊपर हैं, बैठिए। हाँ। बुलाता हूँ। क्या बात है? शेफाली मैम साहब आई हैं। उसे नीचे बैठा, मैं आता हूँ। हाँ जी। शेफाली इस वक्त हाय, यही तो वक्त है जब तुम लड़कियों से मिलते हो। ये कैसी बातें कर रही हो शेफाली? आयरन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे भी धोखा दे रहे हो? ये तुम्हारी गलतफहमी है आर्यन, मैं बहुत जल्द राकेश को डिवोर्स दे रही हूँ। मुझसे शादी तो करोगे ना? शादी के बगैर भी तुम मेरी हो शेफाली। चलो ऊपर चले। शेफाली मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, बस आते ही होंगे, कल मिले। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। मेरी नींद तुम्हारे ही फोन से खुलनी चाहिए। ओके ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। यार ये तो गले ही पड़ गई, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। अभी ठीक हो जाओ। ये बीमारियां भी पागल हैं, डॉक्टर के घर चली आती हैं। मालूम है ज्यादा देर रुक नहीं सकती, फिर भी चली आती हैं। बीमारियां मुझे होती हैं, परेशान आपको होना पड़ता है। मैं कुछ मदद भी नहीं कर सकती, अस्पताल का काम तो है ही, घर का बोझ भी आपके सर पर आ गया है। मेरी नहीं अपनी फिक्र कर, तू खुश रहती है तो मैं खुश रहता हूँ। और अस्पताल के बोझ की क्या बात कर रही है? और कितने तरह के बोझ लेकर जी रहा हूँ, कुछ सर पर हैं, कुछ दिल पर हैं। और कौन सा बोझ है? बिरादरी की समस्याएं हैं, मरीजों की समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी समस्या हमारे छुटका भाई की है। इंस्पेक्टर का बन गवा अपने आप को लाट साहब समझ बैठा है वो। शाम से एको फोन नहीं किया। गांव की जुबान बोलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं आप। आपके भाई का फोन आया था। कहाँ है इस वक्त? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि इतने सीरियस मामले में आप इतनी लेट क्यों आए, और पिछले दो घंटों से पुलिस तमाशा क्यों देख रही है? विल यू प्लीज कीप क्वाइट। तुम प्रेस वाले को सिर्फ खबरें चाहिए होती है, दिल का तार कैसे बनाए जाते हैं तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। Hey, हटाओ इन लोगों को यहाँ से, बकवास करते रहते हैं। उस्मान, सर, सुनो, मैं अंदर जा रहा हूँ, उसे उस शीशे के पास लाऊंगा, पर्दा हटाऊंगा और तुम्हें इशारा करूंगा, एक दो, तीसरा मन में गिनना एंड शूट। लेकिन सर, तुम कर सकते हो, आई ट्रस्ट यू। मैं अंदर से कुछ भी कहूँ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैं स्पेशल ब्रांच से इंस्पेक्टर विजय आया हूँ तुमसे मिलने। मैं बिल्कुल निहत्ता हूँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मेरा विश्वास करो सलीम। देखो तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी। मैं वादा करता हूँ सलीम, तुमसे दो मिनट बात करने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है, दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ। सलीम, बच्चे को छोड़ दो, तुम्हें जाने के लिए गाड़ी और रास्ता दोनों दिए जाएंगे। हे इंस्पेक्टर, देख मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। जैकेट उतार।
पुलिस हमेशा मौका देखकर काम करती है। वैसे हालात यही कहते हैं कि तुम्हें जाने दिया जाए। ए इंस्पेक्टर, हमें इसे जाने देना होगा। सब इसके रास्ते से हट जाएं। वैसे सलीम, तुम आदमी शेर हो, शेर बड़े बड़े क्रिमिनल्स देखे लेकिन तुम्हारे जैसा जिगरा किसी का नहीं देखा। ए इंस्पेक्टर, बकवास मत कर। रिलैक्स सलीम। सॉरी दीपा, अब आप लोग चाहें तो फोटो वोटो खींच सकते हैं। क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, क्या समझते हो? इंस्पेक्टर और तुम्हारा दोस्त। कम ऑन। ये दीपा है। नमस्कार भैया। मेरे भैया और भाभी। नमस्ते। बधाई हो डॉक्टर साहब। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार भाभी। नमस्कार। हाउ आर यू विजय? बिल्कुल ठीक सर। सर इनसे मिलिए, ये दीपा है मेरी फ्रेंड। फ्रेंड, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सर। आप क्या करती हैं? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है सर। ओह दैट्स अ नाइस जॉब। मुझे लगता है मैं आपकी मदर से मिला हूं। तब तो आप इनको भी जानते होंगे। रियली? हां, ये इनकी लड़की है। Excuse me. Okay. Yeah, I have no donkey. Darling. Baba. Baba. Are aayega. Aayega. Are bhai dur gagan se to aayega. Silence, silence, everyone. Thank you. Ladies and gentlemen, friends, philosophers and chicken chow chows. Mera naam hai Aryan. Apne Dr. Arjun ka bachpan ka yaar. Do jism ek jaan. Hey, kahan tha itni der? लंदन से कुछ पका दोस्त आ गए थे, उन्हें घुमा रहा था। और देर करता ना तो थप्पड़। देखो इनका असली परिचय मैं कराता हूँ। आदाब आदाब। बाप दादा बड़ी स्टेट छोड़ के गए हैं इनके लिए। क्या करें, निकम्मा है थोड़ा सा। थोड़ा सा, लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है। सुर का धनी है। शुक्रिया। तो फिर एक अच्छा सा गाना हो जाए। जरूर जरूर जरूर, आज गले से नहीं दिल से गाऊंगा। अरे भाई, मेरा यार बरसों बाद बाप बनने वाला है। दुआ बस छोटी सी है, बच्चे की शक्ल माँ जैसी हो और अकल बाप जैसी।
बहुत बड़ा खतरा बनकर मौजूद है इस शहर में। किसी भी घर की दस्तक मौत की दस्तक होगी। यू हैव टू कैच हिम फास्ट। सर, तीनों खून एक ही हथियार से किए गए हैं। उस पागल की तस्वीर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फ्लैश करवा दो। अंडरस्टैंड? हेलो, ओह माय गॉड, डॉक्टर, एक और खून हो गया। लेट्स गो फास्ट। जी साहब, इट इज वेरी डेंजरस केस, प्लीज टेल अस द ट्रुथ। वो पागल आसानी से भागा है और आसानी से पकड़ा भी जाएगा। वंस फॉर ऑल आई एम टेलिंग यू, प्लीज डॉक्टर कम। आइए आइए, प्लीज गेट असाइड, हट जाइए पीछे प्लीज। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट प्लीज, वेट वेट फॉर अ व्हाइल। देखिए, जो ये जो कैदी भागा है उसका नाम संजय आमरे है, उम्र 38 है, नासिक में रहता था, इसका बाप प्यून था, ये पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर था। तृप्ति नाम के एक लड़की से इसका इश्क हो गया था। लड़की के माँ बाप शादी के लिए राजी नहीं थे क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे, बेरोजगार था। लड़की ने इंतजार का वादा किया, ये पैसे कमाने के लिए दुबई चला गया। 2 साल के बाद लौटा तो लड़की पैसे वाले से शादी करके सेटल हो चुकी थी। गुस्से में इसने इस लड़की का और उसके पति का खून कर दिया और फरार हो गया। उसके बाद और 3 खून कर दिया इसने, तीनों औरतें थीं। शादीशुदा औरतों से नफरत करने लगा, इत्तेफाक से पकड़ा गया। दिमागी हालत ठीक नहीं थी इसलिए फांसी नहीं हुई। पिछले 3.5 सालों से मैं इसका इलाज कर रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो आजाद है और इस शहर की कोई भी औरत सुरक्षित नहीं है। गला काटने और एक्स मार्क करने का जुनून है इसको। एक्सक्यूज मी सर, क्या बताएंगे कि एक्स मार्क का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से खतरा और कुछ नहीं। विजय, आजा आजा, क्या लेगा? कॉफी, चाय, जिन? ए, मेरा कार्ड तुम्हारे पास, तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है? कल रात शेफाली के घर से मिला, उसकी लाश के पास था। क्या, उसकी लाश के पास? किसने मारा उसे? वही जानने के लिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे पास? शेफाली तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, आजकल तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं और है। जाहिर है कि शेफाली को यह बात पसंद नहीं आई होगी और हो सकता है उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए तुमने उसका। hey! क्या बकवास कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है शेफाली को मैंने मार डाला? पुलिस का पहला शक तुम पर जाता है। वैसे कल रात तुम कहां थे? कल रात मैं बॉम्बे बार में था। तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा पूछताछ के लिए, अंडरस्टैंड? किसका? आर्यन का फोन है। हाँ बोलो जनाब। डॉक्टर, कितने पैक गए अंदर सुबह से? काहे के पैक? तू भी कमाल का इंसान है यार। छोटा आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? शेफाली का खून मैंने किया है। पुलिस वाला है भाई, तू फिक्र मत कर, मैं बात कर लूंगा उससे। ठीक है। ये अपने छुटके को क्या हो गया? आर्यन के पास गया था, कह रहा था शेफाली का खून उसने किया है, सबूत मिलते हैं अरेस्ट कर लूंगा। कहां कहां ध्यान रहता है इस बच्चे का? वो जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है। मतलब आर्यन किसी का खून करेगा? क्या भरोसा, जो औरत को धोखा दे सकता है वो जान भी ले सकता है। सर, शेफाली आर्यन की गर्लफ्रेंड थी और आर्यन उसे किसी भी कीमत पर छुटकारा पाना चाहता था। ऐसी कई लड़कियां सर आर्यन की जिंदगी में, वो एक अयाश किस्म का शख्स है और इसीलिए मेरा शक उस पर जाता है। अगर तुम मानते हो कि ये खून आर्यन ने किया है तो उसके खिलाफ सबूत लाओ, लेकिन मेरा ख्याल है कि यह काम उस पागल का ही है। ओ भाभी, आई फील सो सॉरी फॉर यू। क्यों, क्या हुआ?
अब देखो ना, सुबह सुबह भैया और मैं काम पर चले जाते हैं, अब दिन भर घर में अकेली कितना बोर हो जाती होंगी, और आदमी टीवी भी कब तक देखेगा, और ये डस्टिंग, इससे क्या बोरियत दूर होती है? तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको किसी कंपनी देने वाले की जरूरत है, जो आपका हाथ बटा सके, जो आपका अपना हो, आपसे बात कर सके, और इसके लिए अगर आपको देवरानी की जरूरत है तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मैं सोच रही थी कि तुम्हें भाभी की इतनी फिक्र कब से होने लगी। तो तुम्हें दीपा पसंद है? मुझे पसंद नहीं है। पसंद तो आपने करनी है। और हाँ भी, और अगर तुम्हारे भैया ना माने तो? भैया क्यों नहीं मानेंगे, खुद तो शादी कर ली और बैठे हैं बड़े आराम से। भाभी अब मैं भी बड़ा हो चुका हूँ, अब सारी उम्र कुंवारा तो नहीं रहूंगा। और क्या, आप भैया से बात कीजिए ना। हाँ। और बोलिए कि कोई शादी वादी नहीं होगी, होड़ दबा दूंगा तो दूध निकल आएगा, जवान हो गया हूं, बकवास कर रहा है। हट, कौन है लड़की? दीपा। वो आटा गूंथ के रखा है वैसी शक्ल है वो? अरे न कद न काठी न समझ, लालीपॉप खाने वाली बच्ची लगती है, उस बच्ची से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। प्लीज भैया। देखो छुटके, बचपन में ये प्लीज प्लीज कहके मनमाने पैसे आइटे है तूने मुझसे, वो प्लीज यहाँ नहीं चलेगा। अपने खानदान के लिए अच्छी बहू चाहिए। देखो अपनी भाभी को देखो, कोई कमी है? खोजना चाहोगे तो आंखें बूढ़ी हो जाएगी, कमी नजर नहीं आएगी। भैया भाभी में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती ना। वैसे एक कमी है, रात को नींद में सोते हुए घोड़ी जैसी लात मारती है। ये क्या कह रहे हैं आप? भाभी मारे तो भी अच्छी और दीपा बुरी। ए छुटके, ही आओ, खड़े रहो यहाँ, एड़ी मिलाओ। इस कपड़े में कैसा लग रहा है अपना छुटका? बिल्कुल दुल्हा। दिया जी के घर जाने लायक है? 100%। ये दांत और शर्ट अंदर कर, शादी की बात करने जा रहे हैं, नौटंकी नाचने नहीं जा रहे हैं, बदतमीज। ए ज्योति। मैं तैयार हूँ डॉक्टर साहब। ए डरती है मुझसे? अरे देखिए छुटका कैसे भागा जा रहा है। देखो बेशरम घुटने को सेहरा बांध के भागा जा रहा है, शादी के बाद जिंदगी भर पेन किलर खाते बैठेगा तब पता चलेगा। सर, इट्स ओके। ए चल अंदर हो जा। डॉक्टर साहब वो क्या है कि भूमिका बांधने हमें नहीं आती, सीधे मुद्दे की बात करें। हमें भी नहीं आती, लड़के हमें पसंद है, आपको लड़का पसंद है? तो डांट क्यों रहे हो डॉक्टर साहब, लड़का हमें पसंद है। बधाई हो डॉक्टर साहब। मुबारक यार, हम लोग संभली हो गए भाई। आप बैठो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सर। मंगनी की बधाई हो। बस बस बस, भगवान करे मेरी उम्र में लग जाए। क्या भैया? चुप है। भैया आप विजय से कितना प्यार करते हैं? क्या करें, भाई के साथ माँ बाप का भी प्यार देना पड़ता है। अब तू आ गई है ना, मेरी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। चला जरा मेहमानों को देख लेना। भाई लड़की वाले हैं, ऐसा तो करेंगे करो, करो। ही। अरे आई, देख लेना मेहमानों को। तू कहाँ आ रहा है? अच्छा आ जा। कितना अच्छा लगता है ना, एक हंसता खिलखिलाता हुआ घर। हाँ, अब आंगन में बच्चे भी खेलेंगे। दीपा, गाजीपुर से हमारे परदादा यहाँ आए थे। जिंदगियां तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन परंपरा जिंदा रहती है। आज तक कुल की परंपरा का मैंने पालन किया, अब इसके बाद ये जिम्मेदारी आप दोनों पर है। जी भैया। दीपा, अब तक तुमने काफी मॉडर्न लाइफ जी है, इस परिवार की बहू बनने के लिए तुम्हें बहुत सैक्रिफाइस करना होगा। इस परिवार में साड़ी का नहीं,
मर्यादा और चरित्र का घूंघट उड़ कर रहना पड़ेगा। क्या भैया, आज के दिन तो मजाक मत करिए। मजाक नहीं, इतनी कठिन भाषा में ग्रहण नहीं कर सकता। अच्छा चलो बाबूजी और माँ जी को प्रणाम करो। चलो अधर्मा भी भवात् कृष्णम् प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकराः। समझी? तू समझी? समझी? समझाइए ना भैया। कुछ नहीं, इसका सार यह है, अगर कुल को संभालती है तो स्त्री, कुल को बर्बाद करती है तो वो स्त्री। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, जानवर हो तुम, जानवर। दिव्यानी प्लीज। तुम्हारे लिए मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ा, अपना घर, अपनी जिंदगी तबाह की, तुम क्या समझते रहे मुझे? सिर्फ एक बिछौना, एक जिस्म। देखो दिव्यानी, पब्लिक में तमाशा नहीं करते। शट अप यू बास्टर्ड। तमाशा तो तुमने मेरी जिंदगी का बनाया है। जब मुझसे जी भराया तो खाली कुल्हड़ की तरह फेंक दिया और माया के पीछे दौड़ने लगे। इतने गिरे हुए निकलोगे तुम, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दिव्यानी दोबारा मुझे छूने की जुर्रत मत करना। आर्यन सॉरी देवयानी, तेरे ये तमाचे की गूंज तेरी ही चीख में गूंजेगी। नमस्ते साहब। नमस्ते। बैठिए। आर्यन साहब तो घर पे नहीं है। कहाँ गए? जी बताकर तो कुछ नहीं गए। अरे इतनी रात गए? हेलो कौन? हम यहाँ। कहाँ हो? कौन से क्लब में बैठे हो? तो मैं तो फोन करता। अच्छा ठीक है। अब मैं फंस गया। क्या करूं? हेलो हेलो अर्जुन। अरे कहां हो भाई, नींद आने लगी है। अरे अर्जुन से मार दिया दिव्यानी को। किसने? पागल आदमी ने। आर्यन तूने तो नहीं किया? सच कहो। बास्टर टेल मी द ट्रूथ, हैव यू डन इट? मैं कैसे मार सकता उसको? अच्छा अच्छा पुलिस को खबर कर दो। हाँ फिकर मत करो, मैं पहुंच जाता हूँ। ये क्या कर रहा है तू? मुझे जो शेफाली के मर्डर के वक्त करना चाहिए था। मुझे तू होश उधर है पूरी तरह से, लेकिन तेरे होश ठिकाने लगाने हैं। साले लड़की का मर्डर करता है, खुद पुलिस को फोन करता है, क्या बहुत होशियार समझते हैं आपको? तेरी हेकड़ी निकाल दो पुलिस स्टेशन में। पुलिस वाले पर आउट होता है साले, तू क्या कान के नीचे रख के दो डालू क्या छे की चंदर? ये क्या कर रहा है तू? डॉक्टर अर्जुन सिंह अब बीच में मत आइए, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। समझाइए से अर्जुन। अरे ये नहीं कर सकता अपने भाई जैसा है। इसका फैसला अदालत करेगी, आप नहीं। इधर आओ, पंचनामा करो बॉडी का, एम्बुलेंस को बुलाओ और घर को सील करो। देखो छुटके ये, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माय ड्यूटी। लेकिन ऐसे देखो मेरी बात सुनो, ले जाओ पुलिस स्टेशन में, ठीक करेंगे साले को। देखो छुटके इसके बदन को छूना नहीं, कानून के रास्ते से जो करना है कर लो। ये आर्यन, मैं कल सुबह ही तुम्हारी जमानत करवाऊंगा, डरना मत। ए अर्जुन बहुत पछताएगा तेरा छुटका, बहुत पछताएगा। इन
इंस्पेक्टर साहब, आपने बहुत खतरनाक गुनहगार को पकड़ा है, उसके ये जमानत के कागजात। भैया आप देखिए, इंस्पेक्टर साहब कागजात हैं, अगर आप उसे छोड़ दे तो बेहतर। डॉक्टर अर्जुन सिंह, आप समझते क्यों नहीं, रिमांड में लेना है उसे, तहकीकात करनी है। He's a bloody murderer. पुलिस के डंडे खाते ही सबको चुगल देगा वो। और फिर पुलिस पर उंगली उठाते हैं आप लोग। You are spoiling the case. आप मिस्टर आर्यन को बुलवाइए, लेके आओ उसे। यहाँ के मच्छर पुलिस से ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक से सोया रात को? बड़ी चैन से सोया रात को, लेकिन अब जमानत के बाद किसी और की नींद हराम होने वाली है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आप इस पर साइन कर दीजिए। अर्जुन, मैं छोटे को अपना सलाम देके आता हूँ। अब हवाएं करेंगी फैसला दिए की किस्मत का, जिसमें जितनी जान होगी वो उतना ही चलेगा। सलाम इंस्पेक्टर साहब। चलो। अरे भाई कहाँ हो? यहाँ हूँ। अरे हो गई जमानत? हाँ वो तो होनी थी, घर आने से मना कर रहा था, कह रहा था भाभी को मुंह कैसे दिखाऊंगा। अच्छा, भाभी से इतना डर कब से लगने लगा आपको? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाभी। अब इस शर्म को बचा के रखिए आगे के लिए। अच्छा बोल, चाय पिएगा क्या, बियर मंगाओ? नहीं, शाम को। अच्छा भाभी मैं जा रहा हूँ। चला जाऊंगा। अरे कैसे जाएगा तू? अकेले आया था, अकेले ही जाऊंगा। बड़े डिस्टर्ब लग रहे हो, भाभी की डांट खाकर आ रहे हो क्या? अरे नहीं यार। तो भैया से परेशान हूँ, वो समझते आर्यन ने कुछ नहीं किया, उसकी जमानत करवा दी, जबकि मुझे 100% यकीन है कि खूनी आर्यन ही है। पागल किलर के नाम का सहारा लेकर वो अपना काम आसानी से कर रहा है। भैया ने दोस्त होने के नाते आर्यन की जमानत कराई, इसमें गलत क्या है? क्यों, किसी खूनी का साथ देना गलत नहीं है? अरे बाबा गलत है, लेकिन तब तक तुम किसी खूनी को खूनी नहीं ठहरा सकते जब तक सबूत ना मिल जाए। सबूत मिलने पर तो भैया के हाथ भी बन जाएंगे। सबूत वो भी खोज निकालूंगा। ए सुन, उस लिस्ट में छुटके के बॉस के लिए झुमके लिख लो। उनके लिए झुमके? हाँ, उनके लिए नहीं, वो कुरमुरी की बोरी है ना, दीपा। हाँ, है तो उसकी बॉस ना। आप भी ना, पर लिस्ट तो आपके पास है, आपने मुझे दी कहाँ? अब रख दूँ। चल बैठ, अभी आया। दिखता नहीं है, अंधी हो क्या? कर दो। क्या माफ कर दे? गलती से? कैसी बात कर रहे हैं? क्या गलती से? हाँ, आपको समझ में नहीं आता? क्या समझ में नहीं आता? अबे साले! अरे यार कैसे इंसान हो, आपको समझ में? इंसानियत मुझे मत। देखो मुझे जो कहना है आपके गाल पे लिख दिया है, घर में जाकर आईने में देख कर पढ़ लो, समझे ना? तमीज नहीं औरत के साथ कैसे बात करते हैं। चलो ये लो मालकिन। सब कुछ खुद ही कैरी करोगे क्या? यू आर ऑलरेडी कैरिंग। Oh,
ये क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है यहाँ? अरे मैं तो कहा था कि मैं शाम को मिलने आऊंगा। क्या बात है? पाशा, पाशा, क्या बात है? सब ठीक तो है? Just relax. What relax रियाजी साहब? किधर घर तक पहुंच चुका है सर, घर तक। अगर ये अकेली होती तो? अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। भैया भाभी ठीक कह रही हैं। जब तक असली किलर पकड़ा नहीं जाता, आप लोग किसी सेफ जगह पर रहेंगे। बकवास मत करो। किसी से डरकर पुरखों का घर छोड़कर हम कहीं और रहने जाएंगे? चाहे तो दो चार लोग तैनात कर दो यहाँ पर। नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। भैया इसके अलावा हम दोनों में से एक को हमेशा भाभी के साथ रहना होगा। जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तब मैं घर पर रहूंगा। आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली राइट।
कल तो आप अंदर थे, आज यहाँ कैसे? आपके भाई साहब तबीयत कैसी है? अरे डॉक्टर साहब आ गए, आज ये कैसे लो, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, रिपोर्ट माफ करना, देर हो गई। हेलो, हु इज इट? ये उसी का फोन है, मुझे बहुत डर लग रहा है विजय। भाभी एक मिनट, एक मिनट। इज इट एमटीएनएल? यस। मैं इंस्पेक्टर विजय सिंह बोल रहा हूँ स्पेशल ब्रांच से। यस सर। मैं जानना चाहता हूँ कि 6690460 पर पिछली दो कॉल्स कहाँ से आई थी। अभी पता लग जाएगा, डोंट वरी। सर यहाँ एमजी रोड के पब्लिक बूथ से। या एनी लोकेशन? नो आइडिया सर। थैंक यू। कहाँ से था? पब्लिक बूथ से। अरे वो तो आर्यन के घर के पास है। ये गाली किसे दे रहे हो? ओह सॉरी सर। इज समथिंग रॉन्ग विजय? सर कोई ब्लैंक कॉल दिए जा रहे हैं और जोर जोर से सांसों की आवाज आ रही है। देखो विजय, तुम्हारे भैया और भाभी को जान का खतरा है। तुम्हारे भैया कभी नहीं मानेंगे कि वो जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमें उनको मनाना पड़ेगा और किसी सेफ जगह पे लेके जाना पड़ेगा। आइए डॉक्टर साहब आइए। वेरी क्वाइट प्लेस नो? आप लोग यहां पर बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पीछे है और पुलिस हेडक्वार्टर्स आ गए। पुलिस यहां पर 24 घंटे गश्त लगाती है। यहां पर एंट्री का सिर्फ एक ही रास्ता है और उसकी निगरानी करेगा हमारा जाबाज कमांडो। कमाल की बात है, आज डॉक्टर अर्जुन ने कहा कि कोशिश करूंगा कि पुलिस पे यकीन बना रहे। अरे बंद करो ये खटखट। पुलिस को कोई सपना थोड़ा ही आता है कि मुजरिम कहां पर छुपा बैठा है। सर भैया के कहने का मतलब ये नहीं था, दरअसल वो ये। डोंट टेक इट पर्सनली, आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, ही इज राइट। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक पुलिस से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो मुजरिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। सर इस खूनी को खोजना घास के मैदान में सुई खोजने के बराबर है। हमें सुई खोजने के ही पैसे मिलते हैं। हम पुलिस हैं, आम आदमी नहीं है। क्या हुआ? अरे वो कमांडो मलिक है। नहीं मुझे सुना नहीं है, मुझे सुना नहीं है। अब बैठिए मेरे पास बैठिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे मार डालेगा। हर पल लगता है अंधेरे में वो मेरी तरफ बढ़ रहा है, लगता है उसका चाकू मेरी गर्दन को छू रहा है। देखिए ना कितना सन्नाटा है बाहर, लगता है पूरी दुनिया सो रही है और मैं जागकर अपनी मौत का इंतजार कर रही हूँ। कोई नहीं सो रहा है, मैं जाग रहा हूँ, कमांडो मलिक जाग रहा है बाहर। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ज्योति अगर तुझे कुछ हो गया ना, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। मुझे तब तक सेफ लगता है जब तक मैं आपकी बाहों में हूँ। पगली, भरोसा बाहों का नहीं होता, विश्वास का होता है। चल सो। मुझे नींद नहीं आएगी। मैं सुला दूंगा, चाहे तो लोरी गा दूंगा। उसे नींद तो नहीं आएगी, उल्टा नींद उड़ जाएगी, सोच ले। चल पता है
इसी तरह हमेशा मैं तुम्हारे सीने पे अपना सर रखकर बच्चों की तरह सोता रहा। जब तुम प्यार देती हो तो बीवी लगती हो, स्नेह देती हो तो मां, पत्नी भी मां हो सकती है। मैंने तुमसे मिलकर जाना, लेकिन अब डर सा लगता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई डरावना राक्षस एक बच्चे की नींद में जाकर उसके सुंदर सपनों को तोड़ देता है। ऐसी बातें मत करो, मैं और डर जाऊंगी। ये रात बीतेगी, फिर सुबह होगी, पंछी पेड़ों पर जागेंगे सपने आंखों में, और कद्दू जैसा चेहरा लिए तू बिस्तर पर कुंभकर्ण की नींद सोती होगी, और मैं ऊपर से बाल्टी भर पानी डालकर तुम्हें जगाऊंगा, और फिर तुम चीखोगी। मालिक, कोई नहीं, कोई नहीं, मैं मजाक कर रहा था अपने बीवी से, सॉरी 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 सॉरी। हो गया जी साहब। मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग मॉर्निंग, रात दिन काम कर रहे हो, अच्छा है। ये क्या हो रहा था? कुछ नहीं, तुम्हारे कमांडो का मजाक में टेस्ट लिया, भुगत रहा हूं। भाभी, वो किलो तो कब का शर्ट छोड़कर भाग चुका होगा। अब देखिए ना, दो खून हुए दोनों आर्यन की गर्लफ्रेंड के, अब किलर की उनसे क्या दुश्मनी थी? आर्यन उस किलर के नाम का फायदा उठा रहा है। लेकिन आर्यन की उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? वही तो पता लगाना है। रात भर उसके घर की निगरानी की, बाहर ही नहीं निकला। भाभी, आप भैया की बातों में मत आना, आर्यन पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना। क्या कुसुर-पुसुर हो रही है? आपकी शिकायतें चल रही है, आप विजय को छोटा क्यों समझते हैं? चलो आज से बड़ा समझेंगे, सिर्फ ऐसे करके दिखा, ऐसे। और किया तो? तो फिर तू बड़ा, मैं छोटा। पक्का? बिल्कुल। भाभी, आप गवाह हैं। ओके, बताओ। आई डोंट माइंड। ये ऐसे क्रॉस करो फिंगर, इधर रखो, उधर ही, हाँ घुमाओ। ये ऐसे इधर उधर नहीं, ये ऐसे क्रॉस करने की, घुमाओ, घुमाओ ऐसे। क्या बचपना लगा रखा है, ऐसे ही नहीं छुटका नाम रखा है तेरा। पता नहीं कौन कौन सी ट्रिक निकालते रहते हैं, ये भी कोई गेम है। नाचना आया आंगन टेढ़ा, शाम तक प्रैक्टिस करते रहना। कोई नहीं करेगा ऐसी बेहुदा प्रैक्टिस, अब जाकर अपने मरीज संभालिए। और शाम को जल्दी आना, मेरी ड्यूटी है। और अपना ख्याल रखिए। और तू भी अपना, और इस बच्चे का भी। भाभी, ऐसे ऐसे? हाँ बताइए। एक डर सा लगा रहता है मन में डॉक्टर साहब, इसलिए आपसे कुछ सलाह करने के लिए आया हूं। क्यों, क्या प्रॉब्लम, क्या है? कॉलेज के जमाने में मैं भी काफी हीरो टाइप का था, काफी लड़कियां मेरे पे मरती थी, लेकिन मैं इनके सिवा किसी के तरफ देखता भी नहीं था। अच्छा। लेकिन शादी के मामले में डर सा लगा रहता है दोनों के मन में, जब लोगों की बातें सुनते हैं कि शादी करने के बाद परेशानियां हो रही है, तो हमेशा एक डर सा लगा रहता है कि कहीं हमारा प्यार कम ना हो जाए। देखिए धनवानी साहब, ये शादी नाम का जो लड्डू है, ये खाओगे तो भी पछताओगे, नहीं खाओगे तो भी पछताओगे, बेहतर है खा के पछताओ। कर लो शादी। अच्छा। जल्दी ही इनविटेशन देना, कब दोगे? बस बहुत जल्दी डॉक्टर साहब, दैट्स गुड, इसलिए आपसे सलाह ली। अब इनविटेशन के साथ ही आएंगे डॉक्टर साहब। आओ भैया, हाय, ये गेम हो जाए ना। सबसे पहले इस हसीन नाजनीन की खिदमत में अपने अकीदत का नाचीज तोहफा पेश करने की इजाजत चाहूंगा।
जिसके चेहरे पर इस सरजमीन के चमन का हर फूल और इस आसमान की कहकशा का हर सितारा बेपनाह रश कर रहा है, जिसकी रंगत देखकर चांदनी जल जल कर काली हो जाए और जिसकी मुस्कुराहट को अपनी तौहीन समझकर सुबह शाम के आंचल में अपनी शर्मिंदगी छिपाने पर मजबूर हो जाए। कुछ भी बोलते रहते हैं यार, कैसी भाभी है तेरी, थोड़ा भी रोमांस नहीं इसमें। छुटका सामने बैठा है, न कोई संकोच न शर्म। अरे हाँ, मैं भूल गया, छुटके तूने कुछ सुनाने ना? नहीं नहीं, मेरा ध्यान तो इसमें था। कैसा आदमी है यार, इतनी रोमांटिक बातें कर रहा हूँ, दीपा को क्या कानून की पोथियां पढ़ाएगा? कुछ भी बोलते रहते हैं, ये क्या बचपना है? हे बचपना क्या कह रही है, मसल देख मेरे। देख अपने देवर को पूछ, पंजा लड़ाएगा। जाने दो, हार जाओगे आप। मुझे चैलेंज कर रहा है? ए, ले, इज्जत का सवाल है। चलिए आप लोग पंजा लड़ाइए, मैं कुछ खाने को लाता हूं। चल आ जा, जरा इधर हो जा पानी से। पानी से डरते हैं, पंजा लड़ाएंगे। अरे वो तो नसीब में लिखा है, अब क्या करेंगे। पक्का? पक्का। लगा, जोर लगा छुटके। भैया हाथ पीछे। क्यों? बॉडी वेट यूज कर रहे हैं आप। अरे काय का बॉडी वेट? नहीं नहीं, हाथ पीछे, मेरा हाथ पीछे है ना। हार गए। क्या बात है भैया, आपको बुरा लगा? सॉरी। नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। छुटका तो बड़ा हो गया, अब मुझे विश्वास है इस घर को तू संभाल सकता है। आज तक खामखा बच्चा कहके तेरा मैं मजाक उड़ाता था, अब तुम्हें कभी बच्चा नहीं कहूंगा। आई एम सॉरी। भैया क्या कह रहे हैं आप, सच बताऊं? जब आप मुझे बच्चा कहते हैं तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मन ही मन बहुत खुश होता हूं मैं कि मेरे भैया का हाथ मेरे सर पर है। बाबूजी की तो याद नहीं है मुझे, हमेशा आपको ही पिता माना है। भैया मैं हमेशा आपका बेटा बनकर रहना पसंद करूंगा, मुझसे मेरा यह हक मत छीनिए। चल यार, इतनी रातें बीत गई, रात को सोने को नहीं मिला। मेरी हालत तो और भी बुरी है यार, रात में सपने में भी उसी खूनी का चेहरा नजर आता है। अच्छा, इसका मतलब तू रात भर ड्यूटी में सोता रहता है, मैं रात भर जाकर ड्यूटी करता हूं और तू? हेलो मलिक। हेलो सर, हाउ आर यू? आई फाइन, लो। थैंक्स, थैंक्स सर। बैठो। नहीं सर, आपके सामने बैठूंगा नहीं। अरे बैठो यार, सीमा पर हमारे लिए जान देते हो, बैठने को शर्माते हो। कितने बच्चे हैं? सर शादी तो नहीं की। क्यों? सच कहूं सर, हाँ? मेरा मानना है औरत पालने की चीज नहीं है। कमाल के ख्यालात हैं तुम्हारे यार। आपको बुरा लगा सर? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, दिल का बोझ हट गया। सोचते होंगे वहां सीमा पर लड़ने वाला मैं कहां लाकर बिठाया। कमाल का दिमाग पढ़ते हैं सर आप, यही सोच रहा था मैं। दो चार दिन में छुट्टी हो जाएगी, चलो भाई बीबी राह देखती होगी। ओके सर, गुड नाइट। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखें। जब तुम कुछ छिपाती हो ना तो तुम्हारी आंखें बता देती हैं। सच है, कड़वा है, लेकिन सुनना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी। अगर हो इनायत है जाने मोहब्बत, बरा दीजिए इनको किस्मत हमारी, बहुत खूबसूरत।
जो सबसे जुदा है वो अंदाज हो तुम, छुपा था जो दिल में वो ही राज हो तुम, जो सबसे जुदा है वो अंदाज हो तुम, छुपा था जो दिल में वही राज हो तुम, तुम्हारी नजाकत बनी जब से चाहत सुकून बन गई है, हर एक बेकरारी बहुत खूबसूरत है, आंखें तुम्हारी जब तलक तुम हमारी नजर में, न था चांद शब में न सूरज सहर में, न थे जब तलक तुम हमारी नजर में, न था चांद शब में सूरज सहर में, तुम्हारी इजाजत तुम्हारी हुकूमत ये सारा गगन है, ये धरती है सारी बहुत खूबसूरत है, आंखें तुम्हारी बहुत खूबसूरत है, आंखें तुम्हारी अगर हो इनायत है जाने महावत बना दीजिए इनको, किस्मत हमारी बहुत खूबसूरत विजय, घर की पूरी बत्तियां बंद हैं, कोई आवाज भी नहीं आ रही। तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूं। हाँ। घर पर नहीं है, जरूर कुछ खतरा है। कहाँ चले गए? सुनिए सुनिए, सुनिए Thank you.
हुआ? क्या हुआ? क्या है? एक मिनट, ठहर 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 ठहर, हाँ बता क्या? लाश क्या? अंदर कुछ नहीं, बैठो बैठो। कमांडो, कोई नहीं है, बैठो। मार डाला। क्या? मुझे भी मार डालेगा। कोई नहीं मारेगा, वो यही कही है। कमांडो को उसने नहीं, मैंने मारा। पागल ने नहीं, मैंने मारा। मैं ज्योति, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तुम मुझसे चाहोगी और मैं तुमसे चाहूंगा। लो चाय, लो पी लो, आराम से पी लो, सब कुछ बताता हूं। ज्योति, ये कहानी नहीं है, एक जलती सुलगती जिंदगी है जो मैंने जी है। माँ बाप की मौत के बाद छुटके का बचपन संभालने में मेरी काफी उम्र बीत गई। मैंने सोचा चलो ये जिंदगी भाई के नाम कर दी, अब उसी के आंखों से मैं अपने सपने देखूंगा। उसी वक्त तुम्हारे पिताजी तुम्हारा रिश्ता लेकर आए मेरे पास, तुम उससे बहुत छोटी थी, मैंने ना कर दी, वो नहीं माने। मालूम नहीं तुम्हारी क्या मजबूरी थी, तुमने हाँ कर दी। तुम्हारी हाँ सुनते ही गले तक जीने की इच्छा जाग उठी मेरे मन में, मैं बहुत खुश हो गया। लो चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। शादी के बाद 5 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। मैंने सोचा किसी में तो कुछ कमी होगी, काम के लिए दिल्ली गया था तो मैंने अपना चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा शादीशुदा जिंदगी जी सकता हूं लेकिन बाप नहीं बन सकता। मेरे आने के बाद तूने खुशखबरी सुनाई, तुम मां बनने वाली हो। मन में हाहाकार मच गया, जहन में एक ही सवाल था, इस बच्चे का बाप कौन है? जिंदगी भर दुनिया भर भरोसा करता आया था मैं, शक करता तो किस पर करता। सच जानने के लिए मैंने सेमिनार का बहाना बनाया। मुझे एयरपोर्ट छोड़ने से पहले तुम सज रही थी। मन ही मन मैंने कहा अर्जुन सिंह, ये तेरे लिए नहीं है। मुझे छोड़कर तुम चली गई, मैंने तुम्हारा पीछा किया। तुम सीधे आशिक के घर पहुंची। पता है, मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी शादी तुम्हारे जैसे आदमी से हो, जो खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, जवान हो। शायद बड़ा कर देख के मैंने अर्जुन से शादी करने के लिए हाँ कर दी, उस आदमी से जो उम्र में मुझसे इतना बड़ा है। जब वो मुझे छूता है ना, घिन सी आती है मुझे, जैसे कोई जानवर दबोच रहा हो। तुम नहीं मिलते ना तो शायद मैं उसे छोड़ देती या फिर खुदकुशी कर लेती। ए जो, मरने की बात नहीं करते। मेरी नजर में तुम और जैसी लड़की की तरह नहीं, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि जिंदगी के सारे मायने खत्म हो गए। मैं तुम्हें बड़ी आसानी से छोड़ सकता था, तलाक दे सकता था, दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं थी। सिर्फ डर था छुटके का, जिसकी नजरों में तुम मां थी, और मैं एक मां को उसके बेटे के नजरों से गिरता हुआ देखना नहीं चाहता था।
इस शहर से दूर चार दिनों तक मैं पागलों की तरह बेमकसद भटकता रहा, वापस लौटा, असलियत तुम पर जाहिर होने नहीं दी। जेल गया था कैदियों को देखने, उस पागल कैदी ने अपनी 3.5 साल की खामोशी को तोड़ दिया और अपनी कहानी मुझे बताई। सब कुछ कहने के बाद उसने मुझे कहा, डॉक्टर अपनी टूटी फूटी जिंदगी के बारे में आपको कभी नहीं बताता मैं, क्यों बताया जानते हैं आप? क्योंकि आज आप बिल्कुल मेरी तरह लग रहे हैं, आपकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, चेहरे पे 12 बजे खूब पड़ी है डॉक्टर, लगता है बड़ी चोट खाई है तुमने आज। मैं घर लौटा, ठंडे दिमाग से मैंने भविष्य की एक तस्वीर बनाई। मुझे बड़ी हैरानगी थी, इतनी आसानी से ऐसी दोहरी जिंदगी तुम कैसे जी सकती हो। मैंने भी वैसे ही जिंदगी जीना शुरू कर दी। तुम्हें तुम्हारे इस छल का जवाब दूंगा ज्योति, सुबह शाम यही वादा करता रहा मैं अपने आप से। एक दिन उस पागल कैदी को मिलने जेल गया तो मैंने उससे कहा, दुनिया को जवाब देने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता, तुम्हें रिहा होना चाहिए। क्या आप मानते हैं? बिल्कुल, गलती तुम्हारी नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। मेरी बात ध्यान से सुनो, कल तुम्हें फिर दौरा पड़ेगा, मैं इलाज के लिए आऊंगा, तुम्हें नकली इंजेक्शन दूंगा, तुम बेहोशी का नाटक करोगे, सब सो जाएंगे तो तुम जागोगे, मालूम है जो भी बीच में आएगा उसे जान से मार दोगे। तुम्हारे खून करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है, मौत भी ऐसी जो जान के साथ चेहरे को भी न बख्शे। निकलने से पहले मैंने डुप्लीकेट चाबी, स्कल्पल और ग्लोव्स कंबल के नीचे रखे, वो इरादे का पक्का निकला। तीनों वार्डन को मारकर मेरी बताई हुई जगह पर पहुंचा, बिल्कुल वादे के मुताबिक। ये लीजिए डॉक्टर साहब। थैंक यू। आपने जैसा बोला था वैसा मैंने कर दिया, तीनों वार्डन को मार डाला और एक्स मार्क भी किया, अब तो मैं आजाद हूं ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल आजाद हूं। लो, अब यहां से कहीं दूर चले जाओ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखो शुक्रिया मेरा नहीं, ऊपर वाले का अदा करो। स्टोरी है, थोड़ी चौंकाती है। उसके बाद मैंने उसे दफनाया, दफनाकर वापस आ रहा था, शेफाली मिली। अरे कैसे गाड़ी चल? हेलो डॉक्टर साहब। अरे शेफाली इतनी रात को कहां से आ रही हो? मैं आर्यन से मिलने गई थी। अरे क्यों उसके झमेले में आती हो? बड़ा अय्याश आदमी है, मेरा दोस्त है, लेकिन सच कहता हूँ, निकल पड़ो वहाँ से, उसका दिल नहीं है, भगवान का प्रसाद है, हर लड़की को थोड़ा थोड़ा बांटते रहता है, अपनी गृहस्थी संभाल चुपचाप। मैं राकेश को पसंद नहीं करती हूँ। देखो भाई आपके घर की बात है, आपको जो करना है वो करो, चलो घर छोड़ देता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब मैं चली जाऊंगी। अच्छा घर पहुँचते ही फोन कर देना। ओके आई विल डू दैट। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने सोचा इसे खत्म कर दूं तो इसकी मौत लोगों की नजरों में उस पागल को जिंदा रखेगी। मैं घर आया, तुझे गलत टैबलेट दी। दवाई ली? कौन सी दवाई? वो पिंक वाली टैबलेट। नहीं तेरे पेट में दर्द शुरू हुआ। पेट में दर्द? क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है।
इंजेक्शन लाने के बहाने मैं बाहर गया। हेलो हेलो, इतनी रात को थोड़ी सी तकलीफ दे रहा हूँ तुम्हें। इट्स ओके। दुनिया में सबसे बुरी बात है किसी को गिरते हुए देखना। शेफाली को मारकर मैंने उसे और गिरने से बचाया। और देवयानी? देवयानी, मंगनी की रात उसने आर्यन को चाटा मारा, उसकी बेइज्जती की। उस रात को मैंने तुझे कहा आज आर्यन के साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, है तो दोस्त ही मेरा। हाँ, कुछ आदतें बुरी है, लंपट है औरत के बारे में, पर आदमी दिल का अच्छा है। लेकिन मुझे उसकी औरतों को धोखा देने वाली आदत बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे सुधरना चाहिए। अब तो सुधर जाएगा, इतनी बेइज्जती हुई है लोगों के सामने, मुझे बहुत खराब लगा। वो तो परेशान होगा, अकेला है जिंदगी में, इमोशनल है, दुखी हुआ होगा। सो तो है, बोई हुई फसल काटनी ही पड़ती है, अपनी गलती की कीमत चुकानी तो पड़ेगी। चलो मिलकर आते हैं, हिम्मत मिलेगी उसे। कब? इस वक्त? तो क्या हुआ? नहीं, मैं बहुत थकी हूँ, आप जाना चाहे तो जाइए। अभी नहीं, मैं थकी हूँ। चल मैं मिलकर आता हूँ। जल्दी आना, देर करते हो तो डर लगता है। नहीं, जल्दी आऊंगा, छुटका है ना घर में। अगर तू कहती हाँ मैं चलती हूं तो मैं कहता नहीं, तू थकी है, कल सुबह जाएंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली तूने ना कहा, मेरे हाथ मौका लगा, मैं घर से बाहर निकला, देवयानी के घर गया। अरे अर्जुन साहब, आप इस वक्त? आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आइए। I am extremely sorry, I am coming it's at this right. time. Please forgive me, please. आइए बैठिए। तुम सिगरेट पीती हो? जी कभी कभी। आज जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं आर्यन के बारे में कुछ कहने आया था। जी मैं उसे भूल चुकी हूँ। तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता, और अपने प्यार को भूलना इतना आसान नहीं है। उसका प्यार एक धोखा था, वो मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा था। देखो देवयानी, इस दुनिया में रिश्तों का मतलब कोई नहीं जानता, सभी मतलब के रिश्ते हैं, लेकिन जीने के लिए रिश्तों की जरूरत तो पड़ती है। आर्यन बुरा नहीं है, समझा जाए तो समझ सकता है, मैं समझाऊंगा उसे। नतीजा क्या निकलेगा? वो शादी करेगा तुमसे। आपको यकीन है? बिल्कुल यकीन है। फोन करो उसे, कह देना कि तुमसे भूल हो गई, बुला लो अभी इसी वक्त। ये मत कहना कि मैं यहां हूं, वो आएगा नहीं, डरता है मुझसे। हेलो हेलो, आर्यन मैं देवयानी बोल रही हूँ। हाँ देवयानी, अभी भी कुछ कहने को बाकी रह गया है क्या? I'm sorry, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। जब तुमने रिश्ता ही खत्म कर दिया है देवयानी, तो फिर ये फोन का सिलसिला भी खत्म कर देते। नहीं आर्यन, मैंने महसूस किया है कि तुमसे दूर रहकर मैं जी नहीं सकती, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज मेरे घर आ जाओ प्लीज। यानी तमाचा मारने के बाद तुम मुझे थोड़ा सा प्यार भी देना चाहती? थोड़ा नहीं, भरपूर। तुम आ रहे हो ना? तुम जानती हो तुम मेरी कमजोरी हो, मैं आ रहा हूँ। बाय बाय।
वो आ रहा है, पर मुझे नहीं लगता वो मुझसे शादी करेगा। शादी पर इतना ही भरोसा है तो पहली शादी क्यों तोड़ दी? मैं उसे पसंद ही नहीं करती थी। ऐसे लोगों के पास भी दिल होता है। ऐसे दिलों को तो ठोकर मारकर तोड़ देना चाहिए। एनीवे, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? अभी लाई। शक्कर कितनी? एक चम्मच। अर्जुन जी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया किस बात का देवयानी, दोस्ती में तो इतना करना ही पड़ता है। आर्यन के इतने उपकार हैं मुझ पर, वो तो चुकाने ही होंगे। तेरे मन में डर पैदा करने के लिए शॉपिंग के पहले मैंने लिस्ट भूलने का बहाना किया और अंदर गया। हालांकि लिस्ट मेरी जेब में थी। मैं अंदर गया, तुम्हारे और मेरे चेहरे पर मैंने एक स्मार्क किया। बैठो, मैं अभी आया। पता है आज दोपहर को क्या हुआ? आजा। अरे वाह, बड़े खूबसूरत और शांत जगह है भाई। कहाँ आ गए हम, कहीं और जा रहे थे ना? नहीं, यही ठीक है, शांति तो है यहाँ। पुलिस के चक्कर में हैरान हो गया था। आर्यन, जिंदगी सभी सही गलत कामों का एक ना एक दिन तो हिसाब किताब लेती है। पता नहीं, जिंदगी में भरपूर अयाशी की है। जिंदगी में किसी से बेईमानी की है? आयाश हूँ, बेईमान नहीं, लेकिन अच्छा हूँ। अच्छा तो जरूर है यार, और अच्छे लोगों को भगवान बहुत जल्दी उठा लेता है। Thank you.
तू सो रही थी तब मैंने उठकर उसको मारा। सर, उस पागल किलर ने आर्यन को भी मार दिया। तुम सोच रही होगी एक आर्यन को मारने के लिए मैंने इतने खून क्यों किए। ज्योति, बेवफाई करने वालों से मुझे नफरत सी हो गई थी। शेफाली देवयानी बच्चलन थी, दोनों अपने मर्दों को धोखा दे रही थी। कमांडो मलिक ने औरतों के बारे में जो कुछ कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। उस कैदी को एक औरत ने पागल बना दिया और मुझे तूने। हाँ छुट के बोल। भैया उस पागल किलर ने आर्यन का भी खून कर दिया। अच्छा भैया, भाभी कहाँ है? नहीं वो सोई है। ये आवाज कैसी आ रही है? उसी की आवाज है, कहा ना वो घोड़ी जैसी लात मारती है। डरी हुई है, करवट बदलती रहती हूँ करते हुए। सब ठीक तो ना भैया? ठीक है, कितनी देर लगेगी? बस हम लोग निकल ही रहे हैं, 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है, कमांडो मलिक से बात करनी है? नहीं, लेकिन भैया आप अलर्ट है ना? अपना ख्याल रखना छुटके। भैया सर, आर्यन की डेथ की खबर सुनकर भैया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और उनकी आवाज भी कुछ, सर जरूर कुछ गड़बड़ है। कम ऑन फास्ट, कम ऑन मूव, एवरीबॉडी मूव टू सेफ हाउस, कम ऑन। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, मैंने तुम्हारा दर्जा मेरी जिंदगी में मुझसे बढ़कर समझा। छुटके में और तुझ में कोई फर्क नहीं किया। मुझसे कहां गलती हो गई मुझसे। आप मुझे माफ नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार। Oh, my God.
पागल ने पहले कैदी को मारा, फिर शेफाली, फिर देवयानी, फिर आर्यन, फिर कमांडो मलिक को, फिर ज्योति तुझे मारा, और अब ये मुझे मारना चाहता है। उस पागल खूनी को नहीं छोड़ूंगा।